जिंदगी में बस ऑफिस ही है, कभी घर भी जल्दी आ जाया करो टाइम पर। एक आधा घंटा तो फ्लैट की ईएमआई भी ओवर टाइम करवाती है यार। दरवाजा बंद कर देना। एक कप चाय मिलेगी क्या? ये कोई टाइम है चाय पीने का? 9 बज रहे हैं। अरे ये क्या कर लिया? रोड क्रॉस कर रहा था, रिक्शा वाला मार गया। कितनी बार बोला है कि कार खरीद लो, रमा के हस्बैंड के पास 2-2 कार है यार। चलो ठीक है, जाओ फ्रेश हो लो, मैं खाना लगाती हूँ। ओहो, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है, जरूर आज कुछ मस्त बना है। थोड़ा नमक देना, कम लग रहा है। खुद ले लो। कुछ भी बना लो, कमियां तो निकालनी है। ये तुम्हारा साइड है? आज तो वैसे मंगलवार है, तुम्हारा तो कोई भी साइड नहीं है। हाँ पता है मंगलवार है, 10 मिनट बात करते हैं चले जाएंगे फिर। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगा, बाहर जाओ। मॉर्निंग कर लो यार, चाय बना दो, इस ईएमआई मैन को ऑफिस जाना है। आज थोड़ा जल्दी आ जाना, शॉपिंग पे चलना है। वीकेंड में चलते हैं ना, वैसे भी आज पांव बहुत रुलाने वाला है। वीकेंड में तो चाची के यहाँ जाऊंगी, मैं नहीं जाने वाली पुरानी वाली साड़ी में। ले लेना यार साड़ी, बालकनी से नीचे तो आओ, घर में रहते हैं दो लोग, सारी जिंदगी के हाइपर मोड में ही कटेगी क्या? बालकनी मोड? बालकनी मोड में तो तुम मुझे रखते हो। आज जल्दी आ जाना, वरना आके देखोगे मैं बालकनी में हूँ या उससे ऊपर। चाची मैं तंग आ गई हूँ इस आदमी से, घर डेली लेट आता है, खाना बनाओ तो कमी निकालता है, चाहे मैं कुछ भी बनाऊं, शॉपिंग के लिए बोलो तो इसका तो दिल ही नहीं करता जाने का। रात को 9 बजे चाय मांग रहा है, रात को 9 बजे मतलब कौन चाय पीता है? मैं कोई नौकरानी हूँ? नहीं जी सकती मैं नौकरानियों वाली जिंदगी। चाची एक मिनट रुकना, मैसेज है, उसी का ही होगा। चाची राकेश का ही मैसेज था,
बोल रहा है कि बॉस ने रोक लिया, आ नहीं सकता। आज मैंने उसको शॉपिंग के लिए बोला था। इसका तो डेली का ऐसे ड्रामा है। सुन बेटी, सुन मेरी बात, इस आदमी का इलाज कैसे करना है? कित गुजार रहा भाई? सर यही है मेरे हस्बैंड, जो सुबह मेरे साथ मारपीट करके गया और मुझे बांध के गया, अपने आप को जैसे तैसे करके खोला, फिर मैंने आपको कॉल किया। क्यों भाई, 498-307-306 जाने के हो भाई? हो नो सर। चल आज मैं तन्ने सारा बता दूंगा।